नमस्ते, मैं विक्रांत रंजन और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। 18 जून 1857 महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। उनकी समाधि ग्वालियर में बनाई गई है। इस युद्ध के दौरान की एक तस्वीर हम सब ने इतिहास की किताबों में देखी है और उसका वर्णन भी सुना है। वह तस्वीर जिसमें रानी अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी किले से कूदी थी अपने बेटे को बचाने के लिए, और उसे झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए रानी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। लेकिन उस युद्ध के बाद दामोदर राव का क्या हुआ, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि दामोदर राव का उस युद्ध के बाद क्या हुआ था। युद्ध के पश्चात दामोदर राव के जीवन के बारे में हम जानें, इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि दामोदर राव झांसी राजघराने में कैसे आए। महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन 1851 में सियासी साजिशों के चलते इस पुत्र की हत्या कर दी गई थी। तब महाराज ने झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए एक बालक को गोद लेने का फैसला किया। झांसी के पास के एक गांव में रहने वाले आनंद राव को गोद लिया गया था। दत्तक पुत्र बनने के बाद उनका नाम भी दामोदर राव ही रखा गया था। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। यही कारण बना था कि महारानी और अंग्रेजों के बीच के युद्ध का झांसी के प्रसिद्ध इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि 17 जून को महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों को दामोदर राव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अंग्रेजों से झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उन लोगों ने दामोदर राव को दतिया के पास एक जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन लगभग 10 दिनों के बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को पकड़ लिया था। झांसी का राजकुमार भूख प्यास से बेचैन जंगल में तड़प रहा था। पैर में कांटे चुभे थे, पूरे शरीर लहू लुहान था। अंग्रेज दामोदर राव को पकड़कर अपने अधिकारी के पास ले आए थे। जब उस अंग्रेज अधिकारी को बताया गया कि यह दामोदर राव महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्र हैं, तो अधिकारियों ने उसे नजरबंद करने का आदेश दिया। लेकिन उसके साथियों द्वारा जब उसे समझाया गया कि हमारा बैर रानी से था, पुत्र से नहीं, इस बात पर अंग्रेज अधिकारी का दिल पसीज गया और उसने दामोदर राव के लिए वजीफे की घोषणा कर दी। वजीफा मतलब स्कॉलरशिप। उसकी पढ़ाई से लेकर रहने तक की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार उठाती थी। बालिक होने तक दामोदर राव सरकारी वजीफे पर पढ़ाई करते रहे। उसके बाद उनकी इंदौर में बिजली विभाग में नौकरी लग गई थी। यहीं उनका विवाह हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। इस विवाह से दामोदर राव को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम लक्ष्मण राव था। 28 मई 1906 को 56 वर्ष की आयु में दामोदर राव का निधन हो गया था। उनकी अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के दो पुत्र कृष्ण राव और चंद्रकांत राव। यह परिवार आज भी इंदौर में ही रहता है। वहां उन्हें झांसी वालों के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि पहले अंग्रेजों ने दामोदर राव को गंगाधर राव का बेटा नहीं माना। उसके बाद लक्ष्मण राव को भी उनके पौत्र का दर्जा नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद सरकार ने भी लक्ष्मीबाई के परिवार को उचित सम्मान और पहचान नहीं दिया। सरकारी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। झांसी में हर वर्ष महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि लक्ष्मीबाई के वंशज को ही आमंत्रित नहीं किया जाता है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।